सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कल स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई थी, स्टार्स के लिए भी हमने पर्सनली जो बाइट्स लिए उसमें भी बहुत ही अच्छा रिव्यू मिला है। पर्सनली आपको कैसे अप्रिशिएट किया गया है, आपके फैमिली फ्रेंड्स से, फर्टिनिटी से क्या अप्रिशिएशन मिल रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत लोगों को पसंद आई, फिल्म भी पसंद आई और परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी लगी लोगों को। हाँ ओके सर, आप ये मूवी में एक पुलिस का किरदार निभा रहे हैं, इसके पहले हमने देखा है बहुत ही कॉमिक में, सीरियस में कभी नहीं देखा, बट इसमें बहुत ही अलग दिख रहा है, तो कैसा एक्सपीरियंस और थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बताना चाहेंगे? कैरेक्टर है पुलिस ऑफिसर का, जो कि सर्कल ऑफिसर है। सर्कल ऑफिसर होता है जो कि 3 या 4 थानों का इंचार्ज होता है, वहाँ पे पोस्टेड है, एक सिस्टम है वहाँ पे, उसको सिस्टम को चला रहा है, जैसे स्मॉल टाउन में सिस्टम चलता है वैसे चला। मूव था और उस तरह के सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना, हम सभी डरे हुए थे कैसा रिस्पांस मिलेगा, क्या होगा, लेकिन मुल्क की सक्सेस के बाद और स्पेशली बॉक्स ऑफिस में भी उसे सक्सेस मिला, और उसके बाद ये सब्जेक्ट उसके तो मतलब मैं फिक्शनल कैरेक्टर था, उसके बाद इसमें तो एकदम आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर है, और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को जिन्होंने भी देखी उन्होंने उनके लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत जो कल भी आए थे देखने के लिए उन लोगों ने एकदम कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने जो करियर, जो मूवी चुन रहे हैं वो, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत फोकस्ड हैं। अभी हमारे साथ आर्टिकल 15 में थे, बिल्कुल लगा नहीं कि अंधाधुन और बधाई हो जैसी दो इतनी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म करके आए थे, इतनी बड़ी हिट थी उनकी फिल्म, लेकिन आर्टिकल 15 के सेट पे बहुत प्रोफेशनली फोकस्ड थे, कोई स्टारडम नहीं था, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, एकदम अपने वेरी हार्ड वर्किंग, अपने काम से अपना लाइन्स वगैरह याद करके आते थे, अपना काम करते थे और बिल्कुल नॉर्मल, ही वॉज वेरी फोकस्ड, वेरी हार्ड वर्किंग, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने इसीलिए। आर्टिस्ट तो आपने बहुत ही अच्छा अप्रिशिएशन हमेशा मिला है आपको, कोई नया जॉनर में आप कोई एक्सप्लोर करना चाहेंगे, जैसे डायरेक्शन हो गई, मूवी या सब कोई फ्यूचर में? नहीं नहीं नहीं, लाइफ में फालतू पंगे लेने की आदत नहीं है, एक काम कर लो वो ढंग से कर लो वही बहुत है। अभी एक्टिंग का काम जो है ना उसके अंदर वो उसके अंदर ही बहुत स्कोप है अभी इम्प्रूवमेंट का, तो अभी धीरे से थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ है, उसमें ही थोड़ा आगे स्कोप बहुत है अभी इम्प्रूवमेंट का, उसमें सीख रहे हैं थोड़ा 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 और बेहतर, उसी को थोड़ा सा और अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा बस। ओके सर, कल स्पेशल स्क्रीनिंग थी, आपने जैसा कहा कि बहुत जन ने कहा अप्रिशिएट किया और कहा कि टैक्स फ्री भी होनी चाहिए, बट दूसरी जगह कोई बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर है जो कह रहे कि ये मूवी रिलीज नहीं होनी चाहिए, देखी नहीं है तो भी बोल रहे कि नहीं होनी चाहिए, ये बैन हो जानी चाहिए मूवी, आपका क्या टेक है एज अ आर्टिस्ट? तो आपने कल जो बात किया बहुत जन ने बोला ऐसा कुछ नहीं, नहीं आपको क्या लगता है जो फिल्म देखे बिना बोल रहे हैं वो सोशल वर्कर कैसे हो सकते हैं? वो तो एंटी सोशल वर्कर है ना, वो असामाजिक तत्व हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, उनका ऑफिस चल नहीं रहा, लड़के खाली बैठे हैं, कुछ तो करे, कहीं तो जाके तोड़ फोड़ करे, है ना, तो क्या है कुछ पीला झंडा वंडा दिखाए जाओ जरा तोड़ फोड़ करो, वो कोई काम नहीं है उनको, ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, उनका काम उनको तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए, तो वो बेकार की बात है, उनका कोई काम धंधा नहीं है, उन लोगों का काम यही है, तो इसलिए उनको जितना कम तवज्जो दे, उनको ना इग्नोर करें वो बेटर है। हमारी फिल्म तो बिल्कुल क्लीन है, सेंसर ने भी क्लीन दिया है, जुए सर्टिफिकेट दिया है, और लोग देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, क्लियर है। ओके, लास्टली सर, कल मूवी रिलीज होने वाली है, सो कितने एक्साइटेड और क्या कहना चाहेंगे? कल एक ही दिन कुछ समय ही बताया बचे। हाँ हाँ, कल रिलीज होने वाली है, मैं तो लोगों को कहना क्या चाहूँगा, बस मैं लोगों से यही मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जाइए देखिए, अच्छी फिल्म है, अच्छी लगेगी, प्लीज़ गो एंड वॉच आर्टिकल 15, पसंद आएगी आपको। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू थैंक यू।